Hello everyone, welcome to online class. Today we are going to start future indefinite tense. But a future indefinite tense is used to show an action that will take place in the future. उस action को show करता है जो future में होने वाला होता है. बेटा इसकी पहचान होती है हिंदी के वाक्यों में. वाक्यों के अंत में गा गे गी इत्यादि क्या मिलेगा गा गे या गी. वह जाएगा, वह खाएगी, वे खेलेंगे. लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, गा गे और गी. यानी ये एक्शन जो है, जो भी एक्शन होगा वो अभी कब होगा, फ्यूचर में. इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बेटा ये फॉर्मेशन है अफर्मेटिव सेंटेंस के. जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसकी फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मेशन किसकी है, नेगेटिव सेंटेंस की. और जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, विल शैल कहां जाएगा, आगे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव मार्क. ये किसकी फॉर्मेशन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस. और जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव मार्क. ये किसकी फॉर्मेशन है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो. फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली जाऊंगा, बेटा काम कब होगा, फ्यूचर में होगा. ये मैं सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ विल शैल में से क्या यूज करेंगे हम, शैल. आई के साथ क्या आता है, शैल. आई शैल वर्ब काम क्या कर रहा है, जाने का. आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा. आई शैल गो टू दिल्ली. जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, नॉट गो टू दिल्ली. ये हो गया क्या, इंटरोगेटिव. जब हम इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा. हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो कहां जाएगी, आगे. शैल आई गो टू दिल्ली, ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब WH वर्ड का सेंटेंस देखिए बेटा, हमारे पेपर कब शुरू होंगे, हमारे पेपर
होंगे। कब, कब के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, वैन। वैन विल, वैन विल आवर एग्जाम स्टार्ट, वैन विल आवर एग्जाम स्टार्ट, हमारे एग्जाम कब शुरू होंगे। तो ये हो गया बेटा डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। बेटा आज का आपका होमवर्क है, आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट फेयर नोटबुक में राइट करनी है और इसको लर्न करना है। थैंक्स। दो बर्तन।